नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इस तपती गर्मी में महंगाई से तप रही आम जनता के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार ने एक और करारा झटका थोप दिया है, जिसका सीधा असर आपकी रसोई गैस पर देखने को मिलने वाला है। पहले से ही बजट बिगड़ने से परेशान आम जनता को एक और करारा झटका लगने वाला है। ये झटका उन लोगों को खास करके लगा है जो नया गैस कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप नया रसोई गैस कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो आपको अब अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों से घरेलू गैस कनेक्शन की कीमत में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। पहले जहां एक सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए 1450 रुपए देने होते थे, लेकिन अब इसके लिए 750 रुपए ज्यादा यानी कि 2200 रुपए कुल मिलाकर देने होंगे। पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से 14.2 किलोग्राम वजन वाले गैस सिलेंडर के कनेक्शन पर प्रति सिलेंडर 750 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं अगर आप 2 सिलेंडर वाला कनेक्शन लेते हैं तो आपको 1500 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, यानी कि आपको इसके लिए 4400 रुपए सिक्योरिटी के रूप में देना होगा। इसके लिए अब तक ग्राहकों को 2900 रुपए देने होते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नया दर आज से ही प्रभावी हो गया है। ग्राहकों को नए कनेक्शन में लगने वाला रेगुलेटर के लिए अब 150 रुपए की जगह 250 रुपए खर्च करना होगा। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुताबिक 5 किलोग्राम के सिलेंडर की सिक्योरिटी के लिए 800 रुपए की जगह 1150 रुपए देना होगा। इतना ही नहीं, इस बार तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों को भी झटका लगने वाला है। यदि इन ग्राहकों ने अपने कनेक्शन पर सिलेंडर को डबल करने का काम कर दिया यानी दूसरा सिलेंडर लिया है, तो उन्हें बढ़ी हुई सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी। हालांकि अब पहली बार कनेक्शन लेने वालों को पहले वाला ही सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा। अब नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत 1065 रुपए, सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी राशि 2200 रुपए, रेगुलेटर के लिए सिक्योरिटी राशि 250 रुपए, पासबुक के लिए 25 रुपए और पाइप के लिए 150 रुपए देने होंगे। इस हिसाब से देखें तो पहली बार गैस सिलेंडर कनेक्शन और पहले सिलेंडर के लिए 3690 रुपए देने होंगे। चूल्हे के लिए अलग खर्च करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश भर में सिलेंडर की कीमत में केंद्र सरकार वैसे ही बढ़ोतरी हर महीने लगभग करती है, जिसका सीधा असर आम आदमी के बजट में होने लगा है। आलम कुछ यूं है कि अभी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इन गैस सिलेंडरों के लिए ग्राहकों को 1000 रुपए से ज्यादा देना पड़ रहा है, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अब नया कनेक्शन लेने पर ग्राहकों को 750 रुपए अतिरिक्त का झटका लगा है, जिससे आम नागरिकों के रसोई का बजट जरूर बिगड़ने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।